वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर और आज हम बनाएंगे बच्चों के फेवरेट टूटी फूटी कपकेक। ये कपकेक इस तरह के एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। आप देख सकते हैं ये एकदम रुई जैसी सॉफ्ट है। तो इस तरह की सॉफ्ट और स्पॉन्जी कपकेक किस तरह से बनानी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रीडियंट्स छानने के लिए मैंने बॉल और छन्नी ली है, जिसमें एक कप मैदा हम छान लेंगे। इस तरह से हाथ से लेवल करके मैदा आपको नाप के लेना है। इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इस तरह से हाथ से लेवल करके ऐड करें। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, इसे छान ले। ये प्रोसेस 2 बार करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। ये मिक्स हो चुका है, इसे साइड में रख देंगे। दूसरा बॉल लेके उसमें 1/2 कप दही लेंगे, दही रूम टेम्परेचर का लेना है। 1/4 कप ऑयल लेंगे और ऑयल बिना किसी फ्लेवर का होना चाहिए, मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है। 1/2 कप पीसी हुई चीनी ली है, घर की ही चीनी को मैंने मिक्सी में पीस के छान लिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। मैं हैंड विस्कर से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी 1 मिनट के लिए मिक्स कर सकते हैं। अब एक बॉल ले ले जिसमें हम मिक्स कलर की टूटी फूटी ले लेंगे। तो मैं 3 बड़े चम्मच मिक्स कलर की टूटी फूटी ले रही हूँ। अगर तीनों कलर की नहीं मिलती तो रेड भी ले सकते हैं। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स किए थे उसमें से 1 चम्मच जितना मैदे का मिक्सर इसमें ऐड करेंगे। मैदे का मिक्सर इस तरह से टूटी फूटी में ऐड करने से कभी भी केक में टूटी फूटी नीचे नहीं बैठ जाएगी, वो पूरे केक में इवन रहेगी। ये मिक्स हो चुका है, इस तरह से ये मिक्स हो जाना चाहिए। जो चीनी वाला मिक्सर था उसमें मैदे का मिक्सर हम मिक्स करेंगे। पहले आधा ऐड करके मिक्स कर लेंगे, बाकी का भी ऐड कर दे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें पाइनएप्पल का एसेंस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना, अगर वो नहीं है तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क लिया है 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर ऐड करेंगे, जिसे सिरका बोलते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। इस तरह का मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बैटर मैंने रखा है। जो टूटी फूटी को मैदे से हमने कोट करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अब कट और फोल्ड मेथड से इसे मिक्स कर लेंगे। ये कपकेक लाइनर जो आते हैं वो मैंने लिए हैं। ये सिलिकॉन मोल्ड है जिसमें मैं पेपर कप रख देती हूँ। इस तरह से जो मिक्सचर हमने बनाया था उसे एक बार मिक्स कर ले। अब इसे हम मोल्ड में भर देंगे। तो मोल्ड को हमें पूरा नहीं भरना, इस तरह का आधा मैंने इसे फिल किया है। इसी तरह से सारा मैं भर देती हूँ। इसके ऊपर और थोड़ी टूटी फूटी हम रखेंगे, ऑप्शनल है, लेकिन बच्चों को टूटी फूटी ज्यादा पसंद होती है। अब इसे प्रीहीटेड ओवन पे हमें 180 डिग्री पर बेक करना है। तो मैंने ओवन को भी 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लिया था और 20 मिनट के बाद ये केक बेक हो चुकी है। टूथपिक की मदद से इस तरह से इसे चेक करें, टूथपिक क्लीन निकलता है, मतलब कि ये बेक हो चुका है। अगर आपको थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो हमने जो कपकेक बनाई उसमें से एक कपकेक मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि उसका टेक्सचर किस तरह का है। तो आप देख सकते हैं केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। आप देख सकते हैं ये रुई जैसी सॉफ्ट है और टूटी फूटी भी पूरे केक में इवन है। तो इस तरह का कपकेक एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।